दोस्तों, वैसे तो वैज्ञानिकों ने कई बार अंतरिक्ष से अननोन सोर्सेस से सिग्नल प्राप्त किए हैं, लेकिन इस बार जो वैज्ञानिकों ने खोजा है उसकी बात कुछ और है। क्या है इस सिग्नल की खासियत, आइए जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसा सिग्नल खोजा है जो एक निश्चित अंतराल पर बार बार अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आता है, लेकिन अभी तक इससे संबंधित कुछ बातें रहस्यमयी हैं। वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल को नाम दिया है FRB। आखिर क्या है ये FRB? तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना पहली बार घटी हो, पहले भी अंतरिक्ष से कई रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि FRB एक निश्चित समय पर बार बार धरती की ओर आता है। साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को नाम दिया है फास्ट रेडियो बर्स्ट, यानी कि FRB। यह सिग्नल अंतरिक्ष से हर 16 दिनों में पृथ्वी की ओर आता है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो यह सिग्नल करीब 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर से आ रहा है। अगर आप नहीं जानते कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर जान सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। तो अब जानते हैं साइंटिस्ट ने इसका पता कैसे लगाया। दोस्तों, कनाडा में कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट के वैज्ञानिकों ने 409 दिनों तक इन रेडियो सिग्नल्स पर नजर रखी। रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया कि ये सिग्नल अंतरिक्ष से 4 दिनों तक 1 घंटे तक आते रहते हैं। इन सिग्नल्स का टाइम बहुत ही छोटा होता है, उसके बाद इनका आना बंद हो जाता है और यही प्रोसेस 12 दिन बाद फिर से शुरू होता है, यानी कि 12 दिन बाद फिर से यह सिग्नल धरती तक आता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिग्नल्स आखिर आ कहाँ से रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के लिए अभी भी ये सिग्नल्स एक पहेली बनी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है अगर सोर्स का पता लग जाएगा तो इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि ये सिग्नल्स आ कहाँ से रहे हैं। इस सिग्नल की एक खास बात और यह है कि यह अलग अलग सोर्सेस से आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने बताया पहले फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRB तारे और धातुओं वाले छोटी गैलेक्सी से आया था, वहीं दूसरा FRB एक अन्य आकाश गंगा जैसी घुमावदार गैलेक्सी से आया था। तो यह सिग्नल्स साइंटिस्ट के लिए अभी भी एक पहेली है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।